ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचा सके स्कीम के बारे में और लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सब में पहले मैं हमारे वार्ड नंबर वन के काउंसलर श्री साहुल अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चल सब गए इस प्रोग्राम में। सबको नमस्कार। आज हमारे बीच आए हुए श्री अभिषेक जी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और सिंधुपति राजा जी, सोमेश्वर जी काउंसलर वार्ड नंबर टू, जनक राव जी और जितने भी हमारे जो मेहमान बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को हमने इनवाइट किया और आप लोगों ने यहाँ पर आया है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपके डोर स्टेप पे यानी कि आपके घर के पास आकर आपको कह रहा है कि हम आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम जो काउंसलर्स हैं, देखिए हम आप लोगों को पहले भी बताया है कि आज एम्प्लॉयमेंट मतलब जो है हम किसी को दे नहीं सकते हैं, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारे जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो मोदी जी साहब के जो मोदी जी का जो गवर्नमेंट बहुत ऐसा सेल्फ हेल्प का मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत सा स्कीम निकल रहा है। जैसे कि अभी इंडस्ट्रीज में मतलब जो है आपका फूड प्रोसेसिंग का मतलब आज का जो मीटिंग खास करके मेन मुद्दा जो है फूड प्रोसेसिंग पर होगा। उसके अलावा भी आप यहाँ पर आए हैं और हमारे जो सिंधुपति राजा भाई सर है और जनक सर तो हमारे हेड ऑफ भी है, आप लोग 24/7 हमको लेकर उनके पास जाइए। उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दूसरा कोई भी चीज के लिए अगर आपको मतलब मदद चाहिए तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार है, उनसे मिलिएगा। और इसके बारे में ज्यादा विचार से आपको जो है हमारे जनक सर और सिंधुपति राजा सर बताएंगे। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज शाहुल सर बुलाया, बस हमको आना था, आया बैठा चले गया, ऐसा मत करिए। आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, अगर यहाँ से एक या दो भी एंटरप्रेनर अगर मतलब जो निकल के अगर आगे आता है तो हमने मतलब जो ये जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया उसका मतलब जो एक फायदा होगा और हमको मतलब जो है जो आप लोग ने काउंसिल बनाया उसका भी मतलब पूरा खुशी और मतलब दिल में बहुत मतलब खुशी मिल जाएगा। तो आप लोग यही बोलेंगे अगर आप लोग आज अगर समझ में नहीं आया कल फिर आप लोग मेरे से आकर पूछिए, मैं फिर सर लोग से लेके जाकर सर लोगों से आप लोग को आइडिया दिला देगा। एक दिन में हो सकता है आप नहीं समझ पाए तो भी सर लोग से मतलब करेंगे, पर हम इतने ही बोलेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तरफ से हमारे सर मतलब नए नए अभी आए हैं तो सर मतलब जो सर का बहुत प्रयास है, बहुत एनर्जेटिक सर है, तो सर चाहते हैं कि कुछ करें तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू साहुल सर। अब मैं सोमेश्वर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना विचार प्रकट करें। सबको मेरा नमस्कार। आज स्टेज पर उपस्थित अभिषेक सर, सिद्धपति राजा सर और एक बात यह है कि अभिषेक सर हमारे इंडस्ट्री के डायरेक्टर नहीं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी है म्यूनसिपल के, तो हम लोग जो भी काम कराना है हम लोग भी इजी है। अगर आप जैसे लोग जो आज के डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट नौकरी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, तो मोदी जी हमेशा कहते हैं नौकरी देने वाला बनो, नौकरी मांगने वाला नहीं। तो हम लोग भी वही चाहते हैं कि आप लोग नौकरी देने वाले बने, इसी के थ्रू
इंडस्ट्री आपको लोन देके आगे बढ़ाना चाहता है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आप क्या सोच के लेकर आए। वैसे हम पिछले 5 साल में भी बहुत लोगों को लोन दिलवाए थे, लेकिन इस तरह प्रोग्राम कराने से ज्यादा तो आते नहीं, लेकिन अलग से जरूर पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं हम लोग लोन करा कर। तो हम लोग करके देते हैं, जितना हो सकता हम लोग करते हैं, और वहाँ इंडस्ट्री से भी फुल सपोर्ट मिलता है हम लोग को। और वो भी चाहते हैं कि जितना मोदी जी वहां से फंड भेज रहे हैं हम लोग को अंडमान को, मतलब बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए जो भी तरीके से कर सकते हैं, जितना सब्सिडी देंगे। आप सोचिए, आप अपना पैसा लगाएगा उसमें कोई सब्सिडी नहीं रहता, गवर्नमेंट आपको पैसा देके उसमें सब्सिडी देता है, अलग अलग स्कीम के ऊपर अलग अलग सब्सिडीज होता है, उसको ऊपर इंडस्ट्री लोन देता है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत कुछ होता है, छोटा छोटा बिजनेस है, कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कुछ कमा सकते हैं। जैसे छोटा मशीन लगा लिया, जैसे ये चिप्स का मशीन, अंडमान में ये सब नहीं है, जैसे चिप्स का मशीन लगा लिया, या प्लेट प्लेट पेपर प्लेट का है, यहाँ का प्लास्टिक अभी यहाँ से रीयूज के लिए वहां जाता है, तो उसको यहाँ रीयूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस तरह कुछ करिए, कुछ नया आइडियाज लेकर आइए। हम भी यही चाहते हैं कि जितना यूथ है सब खाली नौकरी के पीछे ना दौड़े, जब नौकरी आना होगा वो उसका किस्मत में है तो पक्का मिलेगा, 100% वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा करके नौकरी के चक्कर में हाथ बांध के घर में बैठना गलत है। तब तक आप जो कर सकते हैं इंडस्ट्री से जो लोन मिलता है, अरे गवर्नमेंट आपको बुला बुला के देता है, आपका घर आया है घर आके देता है। इसी तरह खाली इंडस्ट्री से नहीं है, आगे अनिटको भी है, स्टार्टअप वहां भी है और इंडस्ट्रीज में भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप से भी कर सकते हैं आपका इंडस्ट्रीज। अनिटको से भी हमने बात किया था सुबह, तो वो भी बोले कि हम लोग आने को तैयार है, आप बुलाइए, कब बुलाएंगे हम आएंगे, वो भी तैयार है। फिर स्टेट बैंक से भी बात किया, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज से पीएमईजीपी लोन मिल जाता है, ओके कर देते हैं, लेकिन वहां जब जाते हैं बैंक में अटका देते हैं, बैंक में बोलते ये नहीं है वो नहीं, तो इसीलिए हम बैंक वालों को भी रिक्वेस्ट किया था कि आप भी अगर आ जाते तो अच्छा होता, लेकिन शॉर्ट टाइम की वजह से वो लोग बोले, पहले बताने से लोग आते थे, लेकिन जो भी इश्यूज होगा हम सर से रिक्वेस्ट करता है जब भी लोन का कोई इश्यूज होता है तो उसको प्लीज सॉल्व करिए। क्योंकि कल हमको व्हाट्सएप में जो मैसेज किया इस तरह रखा है, तो एक कंप्लेंट था कि वो आप लोग तो लोन सेंक्शन कर दिए लेकिन बैंक वाला नहीं देता है, वो घुमा रहा है उसको। हम उनको बोला ठीक है यहाँ आगे हमसे मिलने के लिए, वो तो आया नहीं, अब देखिए अगर वो आता तो शायद आप लोग का सामने आज सॉल्व कर सकते थे। ऐसा कुछ इश्यूज है तो तुरंत आके सर से मिल सकते हैं, हम लोग को बोलने से हम लोग लेके जाएंगे। आप लोग सोचता जैसे नहीं है, इसमें कुछ फूड का भी, फूड प्रोसेसिंग का भी कुछ कुछ है, जो कि हम इंडस्ट्री में जाकर बात किया था, वो बोल रहे थे कि उसमें जैसा एक अंडमान होम डिलीवरी का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उसको 3 लाख तक फ्री में दिया, उस तरह स्कीम्स भी है। ये चीज सब आप लोगों को जानकारी मांगता तो सर से पूछ सकते हैं, सर लोग बैठे हैं, हम तो वहां जाके जानकारी लिया तो वो सब बताए। इसी तरह आप लोग भी सारा जानकारी लीजिए, जो अभी ऐसा नहीं है कि आज ही आप फॉर्म भर दिया, आज ही आपको बिजनेस करना है सोच लिया, नहीं होगा। अभी आपको आइडिया बताएंगे क्या क्या है, आप लोग सोचिए समझिए क्या होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, उसका हिसाब से लोन मांगिए, आइए हम लोग ले जाके मिलाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी जाके मिल सकते हैं। और कुछ आइडियाज चाहिए तो हम लोग साहुल भाई है, हम लोग 24/7 आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग कभी भी बुला सकते हैं, जितना हो सके हम लोग अपने तरफ से जो सपोर्ट देना है जरूर देंगे। और अभिषेक सर हमेशा आप लोगों का साथ देंगे ये आशा करते हुए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सुमित सर, आज का जो ये प्रोग्राम है बेसिकली हम प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के ऊपर है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट के बाकी भी जो उसके बारे में आप स्पेसिफिक डॉटर तक लेटर सेकंड स्टेज में आपसे डिस्कस करेंगे। अब मैं हमारे डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री श्री अभिषेक मुगल सर, जॉइंट सेक्रेटरी पीपीएमसी सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने विचार प्रकट करें। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय में इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे उपस्थित होने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड स्पेशली हमारे वार्ड 1 एंड वार्ड 2 के काउंसलर सोमेश्वर राव जी एंड हमीद जी, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस इवेंट को ये सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि
डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, सबसे पहले मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरा काम है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसको सिंसेरिटी के साथ पूरा निभाना। तो आज का प्रोग्राम हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एक स्कीम PMFAP के अंतर्गत कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जितना ज्यादा एप्लीकेशन बटोर पाए वो लेना चाहते हैं। PMFAP एक ऐसा स्कीम है जिसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे स्पेशली फोकस किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का स्कीम है। इसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल मतलब एक इंसान या फिर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, दोनों कैटेगरीज में क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। सोमेश्वर राव जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि डिपार्टमेंट की तरफ से तो लोन निकल जाता है, फिर बैंक की तरफ से थोड़ी दिक्कतें होती हैं। इसी के अंतर्गत हमने बैंक्स के साथ भी मीटिंग करी, मैंने अपने लेवल पे भी करी, सेक्रेटरी मैम के लेवल पे भी करी, और आई थिंक जो रुकावटें आ रही हैं वो आगे नहीं आएंगी। हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस तरह से लोन प्रोसेस करना, डिले करना, ये ठीक नहीं है। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए एंड ट्रांसपेरेंट रखें प्रोसीजर को। अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होना है उसका रीजन पता होना चाहिए, एवरीवन हैज अ राइट टू नो कि व्हाई देयर एप्लीकेशन इज बीइंग रिजेक्टेड। तो उस चीज में डिले ना हो, आप लोगों को अंधेरे में ना रखा जाए, इसकी हम फुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे डिपार्टमेंट में। तो PMFAP के जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसमें आपका इंडिविजुअल के लिए भी लोन मिलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी लोन मिलता है। इसके अलावा हम फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर भी बनवा रहे हैं ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडमान निकोबार के अंदर ग्रो कर सके। आज हम MSME खुद को कहते हैं, कल को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन सके, ये हमारा विजन है और इस स्कीम के तहत हम ये अचीव कर पाएंगे। एंड इसीलिए आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन, सहयोग इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कीम की डिटेल्स राजा जी, जनक जी आपको बताएंगे। ओवरऑल व्यू मैं जो स्कीम के बारे में समझता हूँ वो मैं बता दिया आपको। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाएं, एंड हमारे दोनों के दोनों काउंसलर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे इतने कम समय में सब लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो सके। जो जो जिन लोगों को भी इस स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है वो ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी यहीं पे दर्ज करी जाएगी। और इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अवेलेबल वर्ड्स। अब मैं सिंधुपति राजा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्कीम्स के बारे में डिटेल से बताएं। आप सभी को नमस्कार, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, काउंसलर शामिल अमित जी वार्ड नंबर 1 के, सोमेश्वर राव जी वार्ड नंबर 2 के काउंसलर साहब, और सभी को मेरा प्रणाम। जैसे सर ने बताया आप लोगों को कि हमारा आज का जो संदर्भ, आपके संदर्भ में जो है यहाँ पे एकत्रित हैं, ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये प्योरली कोरोना होने के बाद सरकार ने ये माना कि ये ऐसा क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे खाद्य सामग्री तो बनता है। लोग देखिए कि गांव गांव में छोटा छोटा कस्बा में जो है लोग खाने पीने का सामान बना के रखते हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होता है, उसका बेटर क्वालिटी बढ़िया से जो है लोग जो है ना उसको क्वालिटी की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, अंदर माल अच्छा होता है, लेकिन उसको जो पेश करते हैं वो क्या पेश करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाता है, जिसकी वजह से जो पैसा उनको मिलना होता है, जो प्राइस उनको मिलना होता है वो प्राइस नहीं मिल पाता है। और जनरली क्या होता है कि जहाँ पे गांव साइड में जहाँ पे भी ये देखा गया है कि
कि लोग का संसाधन बहुत कम है। बैंक के पास चले जाइए तो वो बैंक बोलता है कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, आपको ऐसा करना है, आपको हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब आपके पास नहीं है। जो लोग गरीब हैं, जो गांव में काम करते हैं, उनके पास ये सब होगा नहीं। आपके पास में बढ़िया सा दुकान है, बढ़िया सा एक फैक्ट्री है, आप लगाया और वो फैक्ट्री में आप काम करेंगे, करना है, तो फिर आप गांव में क्यों रहेंगे, आप तो शहर की तरफ चले जाएंगे। यानी कि आपके संसाधन की कमी है जिसके वजह से ये, तो उस चीज को मानते हुए ये टेलर मेड प्रोग्राम, मानी जैसा टेलर क्या करता है, आपका बॉडी को देखता है और बॉडी के हिसाब से आपका कपड़ा डिजाइन करता है। वो ये नहीं क्या वही रेडीमेड अगर कोई चीज है तो वो अलग है। तो ये गांव को संदर्भ, गांव को देखते हुए तो ये चीज को डिजाइन किया गया। इसमें जो है खाद्य प्रोडक्ट सामग्री, आप कोई भी जो प्रोडक्ट है आप अभी बनाते हैं, आप एक सिंपल सा हैडो गए हैं, यहाँ पे मछली, हम जो जो है आसपास जितनी समुंदर है मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ने के बाद में जो है मछली से जो है कई तरह का प्रोडक्ट, आप मान के चलिए सूखा मछली बनाना है, जो हमारा जो खाद्य सामग्री की प्रोडक्ट है जो आपको अपने जगह में जो मिलता है, मछली आपके पास में मिलता है, नारियल आपके पास में मिलता है, नारियल से नारियल के लड्डू बना दिया, नारियल का कई तरह की मिठाई बना दिया और वो बिना हम बनाते हैं, या मछली से मछली का जैसे मैंने बोला कि आप सूखा मच्छी बना सकते हैं, या सूखा मच्छी का जो है फ्राई उसको मिक्स करके कोई चिप्स टाइप का बना सकते हैं, या मच्छी का जो है आप और भी जो है आप कटलेट टाइप का बना के पैकिंग करके ऐसा बनाया जा सकता है जिसको आज बनाया, एक तो होता है कटलेट आप तुरंत पेक किया उसको खा लिए, कुछ होता है आपको जो है उसको सीखने के लिए, मतलब उसमें ऐसा है कि आप बना के उसको पैक करके आप दीजिए कि हफ्ता महीने भर वो ठहर सकता है। तो ये ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और जिसके लिए ये स्कीम लाई गई है। इसके अंदर जैसे साहब अभी डायरेक्टर साहब आपको अभी आपको बताए कि इसमें इंडिविजुअल को भी सहायता मिलेगा, साथ में कोई लोग जो है संगठित है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कॉपरेटिव सोसाइटी जिन्होंने बनाया, महिलाएं जो की, और ये उनको भी इसकी दायरे में लाया गया। इसके लिए आपके पास कोई पट्टा बड़ा सा मतलब कमर्शियल कोई एस्टैब्लिशमेंट होना जरूरी नहीं है, दुकान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है अपने घर पे अगर महिला चाहती है कि वो अपना प्रोडक्ट खुद करना चाहती है, खुद ही आप बना के आप बेच सकते हैं। जैसे अचार, मछली का अचार बना लिया, नारियल का कुछ और बना लिया, कोई भी तरह का अचार है, कोई भी तरह का बेकरी प्रोडक्ट है, कोई भी मिक्सचर है, आप बिस्किट्स है, जो भी बनाते हैं आप घर में बनाइए, दुकान में देते हैं मार्केट में, तो उसको उसके लिए भी ये स्कीम में सहायता मिलता है। सहायता कितना होगा आपको जो है 35% आपके टोटल, अगर आपके प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट जितना खर्चा आपको लगता है कि इतना लागत है मेरे प्रोजेक्ट का, जो कि टर्म लोन होगा, उसमें क्या है टर्म लोन माने आपको जो है उसमें क्या क्या आपको बर्तन लेना है, इक्विपमेंट क्या लेना है, मशीन क्या लेना है, और कोई अगर आपको आपके पास स्पेस है और वो स्पेस को आप थोड़ा सा बना के उसमें देना चाहते हैं, तो ऐसे जो बिल्डिंग अगर बनाने के लिए भी इसमें प्रावधान है, बशर्ते कि आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्लियर होनी चाहिए बस। और ये कोई भी तरह का खाद्य सही खाना जो आप मान के चले कि कोई बोलता है कि मेरे को होटल खोलना है साहब, मेरे को समोसा डालना है और उसी टाइम है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए ये स्कीम में नहीं, ये प्रोसेस पे प्रोडक्ट माने आप दूध है, दूध को पैक करके आजकल 6 महीने मिलता है, तो वो प्रोसेसिंग के वजह से जो है आपको 6 महीने तक का जो है आपको मिलता है। दही जमा दिया, दही को आज जो है बना के आप दही को जो है पैक करके बिक्री करते हैं और पैक करके पैकेट में लगे, जो आजकल देखिए अनिल को पहले कैसे देखता था, पहुंच में देता था वो लगता, आजकल सब जो है आप इतना अच्छा है कि आदमी जो है तुरंत जाके उसको कैच करता है, मेहनत से आजकल आता है। आप अभी देखिए आपको बटर यानी आपको चाहिए कि रोटी जो है आपको रोल करके डिपार्टमेंट स्टोर पे बेचते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर में आपको बना के आपको आजकल रोल करके आपको गले का जरूरत नहीं है, जिसको चाहिए सीधा दुकान से लाया उसको रोटी तवा में डाल के तला और उसके बाद में जो है उसको यूज कर लेता खाना बना। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, बैटर जैसा इडली डोसा के लिए आजकल बैटर जैसा आपका ऐसा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, पैकिंग इंप्रूवमेंट करना है उस तरह से, तो उसके अंदर में आपका प्रोडक्ट का आपका प्रोजेक्ट एक कम से कम 50,000,00,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का अगर आपका प्रोजेक्ट है वो इस स्कीम के अंदर में हम लोग लाया जा सकता है।
इसमें जो कंपोनेंट है वो सब्सिडी के कंपोनेंट है। सब्सिडी आपको 35% की दर से, अगर आपका लाख रुपए का एक एक स्कीम है उसमें 35,000 जो है सरकार आपको सब्सिडी के रूप में, बहुत सरल स्कीम है, किसी तरह का आपको जाने का। अभी आप बैंक में जाएंगे तो बैंक बोलेगा 25% आपको अपने जेब से देना है, इसमें ऐसे नहीं, आपको फिर 10% का आपको टोटल नहीं होना है। बैंक में आपको जो है पढ़ाई आपको बहुत तरह का रूल्स आपको बताएंगे कि उनके नॉर्म्स, इसमें कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, आप किसी भी तरह का पढ़ा लिखा, आपको वो काम जो करना है वो काम के बारे में आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बस आपको दुकान होना जरूरी है, आप घर में बैठ के बना सकते हैं। महिलाएं जो है संगठित होकर एक साथ 10 लोग आप लोग सेल्फ ग्रुप बनाइए या जेंट्स मिक्सचर करके आप सेल्फ ग्रुप 10 लोग मिल लीजिए और ऐसे बना के कुछ प्रोडक्ट डेवलप कीजिए जिसको आप मार्केट बाहर में साउथ में मैं रहा हूँ कैंबलगंज तक मेरा ड्यूटी मैंने अपना पोस्टेड सर्विस किया है। आप जो लोग कैंबल में है या डिंकोरी में कचाल में आप जाएंगे मछली तो पकड़ते नहीं है। आप अगर सूखा मछली बनाया और बना के आप यहाँ से आप एक हर जहाज में आप भेजिए, अगला जाने के जिस दिन जहाज उतरेगा तुरंत आपका प्रोडक्ट जो सेल हो जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो बाहर का बाकी वाला ग्रुप तो आपके पास है, तो आपको जो है ऐसा आपको डिजाइन करना है। और सर ने अभी आपको बताया इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में, इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर इस स्कीम के तहत में हमने एक ऐसा प्रावधान है जहां पे आपको सारे मशीनरीज जो है जो मशीनरीज आपको सोचना पड़ेगा वो सारे मशीन वहां पे बैठाया गया है। आपको उस जगह में जाके अपना R&D करना है, माने रिसर्च करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना है। आप लोग खुद उसमें कीजिए, 6 महीना साल भर आप काम कीजिए, उसके बाद में यही होगा सर। ये करता हूँ तो ये ऐसे है कि मैं आपके पास सर का टाइम ज्यादा होने वाले के आगे का है तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स अपना सर डायरेक्टर साहब का करूंगा जो उन्होंने जो हमें बराबर ये बारे में किया कि आप लोग ऐसे चीज को जो है पहुंचाने का एक कीजिए। आप अपने अपना वार्ड लेवल पे जाके आप उनको पब्लिक को इसका अवेयरनेस दीजिए। तो उसमें पहला तो आइडिया था सर का था कि वो चाहते थे कि ये आपके पास पहुंचे जिसके वजह से हम आए। और जैसे हमने ये बात साहुल जी से आप जैसे जाके डिस्कस किया, साहुल जी तो इमीडिएटली बोले कि मेरे पब्लिक को कुछ ना कुछ करना है सर, मेरे लोग जो है उनको काम करना है, तो उनके लिए आप कुछ भी जाएंगे हम आपको पूरा सपोर्ट, जिससे मेरा लोग को कुछ ना कुछ फायदा होना है। तो उसके लिए उन्होंने ना केवल हमको बताया, वो सारे जितने काउंसलर से वो खुद आगे आए मेरे साथ में और सभी से मिला है कि आप सभी को बोलिए सर, अच्छा बात है। तो इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इनकी वजह से मैं आज का प्रोग्राम संभव हो पाया। सोमेश्वर सर से तो वो खुद मेरे से भी बात किए इससे पहले कि सर ऐसा है हम बात होकर सर आपका डेट क्या है, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था कि इतने कम समय में कि और लोग आ सकते थे लेकिन फिर वो नहीं पाया। मैं धन्यवाद तहे दिल से जो है काउंसलर साहब 1 और 2 वार्ड नंबर 1 और 2 को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग इतना व्यस्त हो सकते हैं, आपके पास दूसरा काम हो सकता है, उसके बावजूद आपने सोचा कि चलो इसका फायदा कैसा ना उठाएगा। तो इसके बाद इस सेशन के बाद हम बैठेंगे, आपका इंडिविजुअल कोई भी चीज है आपसे आप मेरे पास आइएगा, हम लोग किस तरह का आपको जो मदद करते हैं सारे चीज है जिनको जो प्रोजेक्ट है हमसे अभी आप डिस्कस कीजिए, हम सभी के लिए देंगे। इसके बाद आपको ऑफिस तो पास नहीं है, आ जाइएगा, आपको इमीडिएटली जो है ना विद इन 1 वीक के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो बैंक तक पहुंच जाएगा। और सर जो बता रहे थे, जो आपके वर्ड सर बता रहे थे कि बैंक में चला जाता है बैंक, उसके बाद हम पर्सनली उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, हम जाके बैंक से बात करते हैं आपकी तरह से कि उसको क्यों आप रोका है और उसमें क्या चाहिए और जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसे करके हम कहना चाहें तो उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप आगे आइए, हम आपसे 2 कदम आगे जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तो कुछ हेड ऑफ वार्ड नंबर 1 का ही हूँ। मैं यहाँ पे जनरली देखता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो फिशरीज सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं और कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारा कैच जैसे रात को आ जाता है तो वो रख नहीं पाते, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो हमारा जो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग है, हमारा 2 स्ट्रेंथ है अंडमानी भोपाल में, एक तो नारियल हमारे यहाँ पे बहुत है और मछली, कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं मछली में डायरेक्टली इन्वॉल्व है,
सिर्फ मशीन लेके आते हैं वो खराब कर जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको वैल्यू एड करके उसको कर सकते हैं। तो इसके सिलसिले में अगर कोई भी अगर यूनिट अगर सेटअप करना चाहता है तो हम लोग अभी लेटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आप उसमें किस तरह का मदद हमसे चाहते हैं उसके बारे में आप सीधा हमसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसमें छोटा कोई बड़ा सा ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा कोई काम करना है या रखना है, लेकिन आप छोटा सा छोटा काम भी आप जो है इसके अंदर में कर सकते हैं। इसमें आपको जो है आपको दोनों लोन भी मिलेगा, साथ में इसमें सब्सिडी भी मिलेगा। प्रोजेक्ट आपको जो है आप खुद अपना प्रोजेक्ट आपके पास में है, आपका अपना अभी घर पे है, आप किराए में रहते हैं, किराए में वाला बिल्डिंग में रहते हैं, तो वहां से भी आप काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि और उसके लिए कोई ये भी नहीं है कि आपको जो है ये सब लेना है। तो आप अपना जो भी समस्या है उसके बारे में आप हमसे जो है एक बात कीजिए, आप बात करेंगे तो हमको समझ आएगा कि आपको क्या चाहिए। जैसा कुछ लोगों ने मेरे से वैसे कॉन्टेक्ट किया, आपको पास में कोई चीज है तो आप मुझको बता सकते हैं। ठीक है। अभी मेरा मशीन छोटा मशीन है, अभी एक मशीन कंपनी है जिक्की मशीन है, उसका कॉस्ट है 25,000 अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट नहीं पता। और उसके साथ एक ओवरलॉक मशीन चाहिए, कुछ लोन मिलने का चांस है? उसको बड़ा करने मान लिया तो बड़ा, कितना पैसा की जरूरत है आपको? अप्रोक्सीमेटली 50,000 का हो जाएगा। और पीएमई जितनी हमारा एक स्कीम है उसमें हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मैन से हम लोग उसको भर के उनको बोल देगा, तो आपका 50,000 से 1,00,000 तक के अंदर में आपका होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट है, कोई ज्यादा का आधार कार्ड ये सभी आपका चाहिए, और जो मशीन आप लेगा उसका कोटेशन चाहिए। कोटेशन ऑथराइज है, जैसा उसका मशीन है उस सबके जो कोटेशन वाला जो ऑथराइज डीलर है उससे कोटेशन लेना, मशीन का कितना दाम होगा उसके बेसिस में आपको वो लोग हिसाब किताब करके आपको दे देगा। साथ में और आपको छोटा सा टेबल बनता है जो भी बनता है, छोटा स्त्री पेटी चाहिए जो भी चाहिए उसके लोग बना के दे देगा। ठीक है। पाँच साल तक का उसको लोग बना के दे देगा, 6 महीने आपको देने की जरूरत नहीं है, 7-8 महीने से थोड़ा थोड़ा करके देखे क्लियर करने से उसमें सब्सिडी भी मिलेगी। 1,00,000 में आपका 15,000 माफ हो गया। ठीक है। और किसी को भी कुछ पूछना है तो थोड़ा पूछ के देखिए, जो जिस किसी को भी अगर हम लोगों का ये करना है तो ये है कि जो लोकल जो बेसिकली जो प्रोडक्ट है जैसे कोकोनट और फिश है, कोकोनट और मछली है, तो इसके बारे में हम लोग बोल रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, तो लोकल जो अपनी यहाँ का बिजनेस जो करने वाला है उस लोगों से कंपटीशन एक बड़ा चीज है। तो मान लीजिए जो लोकल मार्केट जो है कैंपबेल बे निकोबार आप लोग बताया था, तो सर आप लोग की तरफ से क्या हेल्प मिलेगा जो यहाँ का लोकल आदमी ये बिजनेस करने चाहता है तो? और क्या है निकोबार जाने के लिए अलग से जो पास बनता है वो भी मिल जाएगा क्या यहाँ के लोकल आदमी के लिए? ये जो भी चीज है आपको खुद करना है जी, आपको निकोबार के लिए पास के लिए फिर आप आएगा, हमको उधर में एक दुकान भी बना के दो बोलना नहीं, ये करना आपको है। अच्छा अच्छा। हम स्कीम में जो है क्या मदद हम कर सकते हैं वो चीज हमको बताता है। हम तो मार्केट को जानकारी के लिए हमको बताया कि ऐसा मार्केट है वहां में, आप बना सकते हैं, आपको कोई मछली का प्रोडक्ट बनता है कोई भी तरह का मछली का प्रोडक्ट है उसका अच्छा मार्केट आपको अंडमान में देखा जाए तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ आप अचार बनाया आप जो अचार दिख जाएगा, पापड़ तो इससे जो है मिक्स करके पापड़ बना सकते मछली के साथ में प्रोडक्ट है, आप मीट का कोई भी प्रोडक्ट हो, एक मकाली मछली का जरूरत नहीं है, आप मीट का कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लेके आप बेच सकते हैं। आपको वहां जाके आने के लिए जो है ये स्कीम में हम आपको ट्राइबल पास का अरेंजमेंट नहीं करेंगे, वो तो खुद आपको करना है, या आप जो लोग वहाँ उससे टाइप आज सब फोन में सब चीज वीडियो कॉल में आप बात कर सकता है, जो वहां में है ऑलरेडी जो डीलर है उनसे आप टाइप कीजिए, आपको सारी चीज मिल जाएगा। और जहाँ जब कैंपल बे तक जाता है तो आपको हर आइलैंड टच करके जाने का मिलेगा, आपको उतर के जा नहीं सकता लेकिन आप जल्दी तक वहाँ का एक्सेस आपको सब जगह में मिलेगा, तो आप हर जगह में जो है आप लोगों से बात करके जा सकता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है, तो आप कर सकता है। तो जहाँ तक ये स्कीम में आपको आपको जो है इंसेंटिव आपको मिलेगा कि लोन मिलेगा प्लस उसके साथ में आपको सब्सिडी मिलेगा, और वो लोन के कुछ दिनों बाद आप वेट करेंगे तो आपका खुद का प्रोडक्ट अगर कोई प्रोडक्ट रेडी करना है इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग फिशरीज डिपार्टमेंट से टेकअप कर रहा है, अगर फिशरीज डिपार्टमेंट 1.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वो सेटअप करेगा मैरी लेन में,
आपको सारा मशीनरी वहां मिलेगा। आप मछली का प्रोडक्ट कोई चीज है आप अपना खुद डेवलप कर सकता है, जाके 6 महीने तक अपना प्रोडक्ट क्या चीज जो है हमको ये बनाने से ये चीज जो है इतना दिन तक चलेगा, तो हर तरह का फैसिलिटी आपको मिलेगा। वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा, वो जरूरी नहीं वो आने तक आपको वेट करें। आज आप अपना जो प्रोडक्ट आपको है वो प्रोडक्ट को ये स्कीम के तहत में आप लेके हमसे बात कर सकता है। इसमें टोटल आपको प्रोजेक्ट जो बनाना होगा, आपको क्या क्या इक्विपमेंट आपको जरूरत है, क्या खरीदना है, वो पूरा लिस्ट आप बताइए। आपको ये आइटम है सर, मेरा ये कोटेशन आपको चेन्नई से मंगाना होगा या कोटा से लेना होगा, उसका क्या रेट है, उसका कोटेशन है, कोटेशन लेके आप हमसे मिलिए। हम लोग ये सब ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई फिजिकल एप्लीकेशन पेपर में नहीं है, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन में सबमिट करना है। तो आप वो लेटर लीजिए, उसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो डीपीआर हम खुद बनाएंगे। आप आइए जनक सर है, जनक सर के पास आप अपना डिटेल लेके आइए, आपका पूरा डीपीआर वो बना देंगे, बना के हम लोग आपके सामने ही अपलोड कर देंगे कंप्यूटर में और पोर्टल में, और उसका फिर प्रोसेस जो होगा वो बन के जो एक हफ्ता तक हम लोग बैंक में पहुंचा देगा, ये काम हम लोग कर लेंगे। तो आपको जो है आपको सोचना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आप जो खाद्य प्रोडक्ट है, मतलब खाने पीने का सामान ऐसा प्रोडक्ट है जो ए स्कीम के तहत आता है, वो आप डेवलप करने को मिलता है, वो आप सोचिए, आप बना के उसको बनाइए। आप इसमें इवन मसाला भी बना सकता है, मसाला बना सकता है, जो ऐसा कई चीज आप बना कर सकते हैं खाने पीने का, जो यहाँ पे जरूरत है या बाहर में जरूरत है, जो यहाँ बाहर नहीं मिलता आप उसको बना के आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आपका आइडिया क्या है जी सर, आप क्या मतलब फिश में कौन सा मतलब आपका रुझान किस तरह क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली सर मैंने सुना है जो कोकोनट और फिशिंग जो है फिश है यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, इसको बारे में आप लोग अभी जो बताया तो इसलिए हम जानकारी लेने के लिए हम पूछा था। आप कर सकते हैं, मछली में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, आपका जो भी है 35% सब्सिडी स्कीम है, ठीक है, अगर 1 लाख लगा तो आपको सिर्फ 65,000 ही आपको देखना है, वो भी बैंक लोन दे देगा। आप छोटा मोटा जिसका हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसा मछली, अगर मछली को डिहाइड्रेट सुखा के अच्छा से पैकिंग करके ब्रांडिंग करके अगर बेचेगा, आपको पता है भी हमारा वाले 6-7 महीने के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल जाएगा, और हमारा अंडमान का मछली प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड है, हमारा मछली अंडमान का पूरा दुनिया में सब में अच्छा मछली हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, इसको ब्रांड करके अगर छोटा सा एक मशीन ले लिया, सुखा दिया, पैकिंग करा, अच्छा से एक लेबल क्रिएट करके डालेगा, कोई भी मेलियन से आता फॉरन से आता अंडमान का कुछ लेके जाने मांगता, ये सब एरिया है जहाँ पे हम लोग वेंचर कर सकते हैं। और स्कीम के बारे में राजा साहब आपको बता दिए, फाइनेंशियल सपोर्ट है आपके पास, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी जरूरत नहीं, बहुत छोटा से करके बाद में स्केल अप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट है फूड से रिलेटेड है, किसी भी जैसे किसी को बेकरी सेटअप करना है या यहाँ पे देखो एवडो में इतना जाना है, बाहर बाहर आके बेकरी सेटअप करता है, किसी को बेकरी लगाना है, अदरस मुरकू और सब जो बाहर बेस्ट है, किसी का है कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग का तेलुगु में भी बहुत सारे स्पेसिफिक मिठाई होता है, उसको अच्छा से करके पैक करके डाल सकता है, उसके लिए जो भी छोटा मोटा जरूरत है 3-4-5-10 लाख रुपए का, ये स्कीम आपको 1 करोड़ तक का हम लोग मदद कर सकते हैं। थैंक यू सर। सब्सिडी 10 लाख रुपए, तो उस हिसाब से सोचिए कि पोटेंशियल क्या है, हम किस जगह में हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा ताकत होना रॉ मटेरियल मिलना, रॉ मटेरियल हम आइलैंड से मंगा के बनाएंगे तो कोई सेंस नहीं है, पिकल है, आप पिकल बनाइए, अगर मछली का जो अचार बनाइए अच्छा से बॉटल करिए, ये सब चीज चलने वाला है, तो हमारा बेसिकली हम लोग का फोकस एरिया ही वो है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। और कुछ किसी को पूछना है, किसी को डाउट, अगर आगे अगर आप लोग सोच लो कुछ प्लान करना है तो मेरा नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आप लोग लेके जाएंगे, सर लोग से मिला देंगे, ऐसे भी सर जो है एडो फिशरमैन कॉलोनी में ही सर रहता है, आप लोग कुछ डाउट है 5-10 जन मिलकर हम लोग कुछ करने वहाँ था। हाँ, ऑटो लेने के लिए, बैकरी सेटअप के लिए, कॉन्ट्रैक्टरी काम करने, हर चीज के लिए मतलब जो है आपको मतलब जो है इंडस्ट्री सपोर्ट करने के तैयार है। हम आप लोगों को मतलब जो है एक छोटा सा दिया जलाया है, अब उसका रोशनी को मतलब बरकरार करना और दिया को जला कर रखना आपको हाथ में, दिवाली में दिया जलाते हैं ना हम लोग, वैसे सोच के उसको उजाला कीजिए, अब हम उतने ही कोशिश कर सकता, और मेरा लायक हमारा पूरा सर्व मतलब सपोर्ट एनी टाइम आप लोगों के लिए है, हम कभी भी मतलब 4 बजे से लेकर 5 बजे 1 घंटा यहाँ बैठता है, क्योंकि कभी कभी मेरे को और भी कुछ काम रहता है ना, तो अब एक मेरा भैया नहीं मिला नहीं हम है, हम देखो एक बात बोल देता 24/7 मेरा दिमाग में ना आप लोगों में ही सोच है, क्योंकि मेरे को मतलब जो ऊपर वाला देता है तो मेरा दिमाग में दिल में क्या है कि ऊपर वाला सबको और भी दे, बहुत ज्यादा दे आप लोगों के सबको, मतलब मेरा एरिया का लोग मतलब एकदम हर अगला 5 साल में इतना खुशी में रहना, इतना हरियाली में रहना कि
कि मतलब जो कोई कमी नहीं रहना कोई घर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार मैं डायरेक्टर साहब, राजा सर और जगन सर और जो उनके जितने भी स्टाफ हैं जो साथ में आए हैं सबको शुक्रिया था। हमारे काउंसलर वार्ड नंबर टू सोमेश राव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो साहूल सपोर्टर्स जो सवेरे से यहाँ पर आप लोगों का अरेंजमेंट के लिए मतलब लगे हुए थे उन सबको भी मतलब जो धन्यवाद देते हुए आज का हमारे प्रोग्राम को हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।